Class 11, we are starting with the mole fraction part, and it's again from your first chapter, some basic concept of chemistry. So in that case, we'll see this part, the mole concept, and the definition says about the mole concept: the mole fraction of a particular component in a solution is the ratio of the number of moles of that the components to the total number of moles of all the components present in the solution. So this is the definition. What does it mean? I think from this particular definition you are unable to understand. Suppose if you want to calculate the mole fraction of a particular solution, then you should understand that this particular solution must be containing different components, say A, B, C, okay? So these are the different components this solution is holding. So what we'll do, suppose I want to calculate the mole fraction, so I will calculate the individual mole fraction of this particular component, then I'll calculate the mole fraction of this concept, then I'll calculate the mole fraction value for this particular component, then after that I'll add it up all the three's mole fractions of these components, and then I'll calculate the mole fraction of a particular solution. ठीक है, तो basically एक is the ratios हो जाता है of number of moles का. ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, how we can calculate it, that is very important. So by the particular definition maybe you are not clear, but by the formula you can understand it. ठीक है, suppose I want to calculate the mole fraction of this particular component A. ठीक है, तो मेरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, the number of moles of the given component divided by total number of moles in the solution. ठीक है, हम मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में उन सबको ऐड अप कर लेंगे. ठीक है, उससे निकालेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये दो है, अभी हमने कोई सॉल्यूशन लिया और वो सॉल्यूशन सिर्फ ए और बी कंपोनेंट से बना हुआ है. ठीक है, अब उसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है एक कॉम्पोनेंट ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन कंपोनेंट ऑफ द गिवन कंपोनेंट, यानी मोल फ्रैक्शन, मोल को इसी से लिखते हैं ना हम लोग, मोल नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट एन से लिखते हैं, अपॉन ए, और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं ए और बी दोनों हैं, तो इन दोनों के अलग अलग मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है, नाउ इफ़ यू रिमेंबर योर क्लास 10th स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर याद हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मास ऑफ द गिवन कॉम्पोनेंट, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ दैट कॉम्पोनेंट. ठीक है, ऑफ द कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने n है, तो ये आपका क्या हो जाता है, w अपॉन m से आप रिलेट कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ दैट केस, जैसे आपने na निकाला, na की जगह जो आपका फॉर्मूला पीछे आपने जो निकाला था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट a निकाल रहे थे आप, तो चलो वही देख के चलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट a था, इसको यहाँ से हटा के हमने क्या लिखा था, na प्लस एन बी. तो अब इसकी जगह हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डब्ल्यू ए अपॉन कैपिटल एम और ए. अब ये इनका फिर वही इंडिविजुअली निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटके यहाँ लगा दो. तो ये कंडीशन आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बुक्स में लिखा होता है, कहीं कहीं बुक्स में इस फॉर्म में भी लिखा होता है, तो डजेंट मैटर, आप कैपिटल में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, लेकिन आप जो भी लिख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं. ठीक है, एनीथिंग कैन बी रिटन. तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेसिकली ए का निकल आएगा. ठीक है, ये चीज़ है. अब जैसे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बुक्स में बहुत कम दिया रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर आपको कॉम्पोनेंट बी निकालना है तो कैसे निकलेगा, वही है जो फॉर्मूला पीछे था वही लिखेंगे, लेकिन एन बी अपॉन
एन ए प्लस एन बी, राइट? सो दिस कैन बी ऑल्सो चेंज, कैसे हो जाएगा, डब्लू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्लू ए एम बी प्लस डब्लू, सॉरी ए है ये, डब्लू बी अपॉन एम बी, ठीक है, ये चीज़ आपकी निकल आएगी। तो ये चीज़ है, अब सपोज करिए तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है तो आपको वो दोनों कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ेगा ना, तो आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। इसको हम कैसे रिलेट अप कर रहे थे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ये भी मोल फ्रैक्शन के यही सिंबल लेते हैं, ये ए कंपोनेंट का हो जाएगा, ये भी कंपोनेंट का हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका फॉर्मूला एक बन सकता है कि आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन लिया या टोटल मोल फ्रैक्शन लिया, तो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, दिस कैन बी ऑल्सो डन, ठीक है। इवन इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर वैल्यूज़, यू कैन पुट द वैल्यूज़ ओवर या देखते हैं क्या आता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर वैल्यू जो हमारे पीछे जितना था, क्या था, हमने एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखा था, यहाँ क्या था, एन एन बी एन ए प्लस एन बी, है ना, आप स्मार्ट हैं, आपको एलसीएम लेना आता ही है, ये भाई करेंगे तो ऊपर आपका यही आने वाला है आपका, सिंपल ही एक एक जैसा ही है, कट जाएंगी चीज़ें तो वैल्यू वन आ जाएगा, है ना। तो यानी बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला आपने ऊपर बनाया है, आप इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, वन डिप्यूट कर देंगे, ये भी आपके पास बन सकता है फॉर्मूला, अगर आप इसमें से इस फॉर्मूले से निकालना चाहें अपनी वैल्यू। बुक्स में ये नहीं है अवेलेबल, आई एम अगेन टेलिंग यू। तो जैसे आपको सपोज़ करो एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, वन माइनस एक्स बी, है ना। अगर आपको एक्स ये बी की निकालनी है तो वन माइनस एक्स है, ठीक है ना। इस तरह से आपके ये सब फॉर्मूलेज हैं विच यू कैन यूज़, और सब टाइम्स कुछ डेरिवेशन वगैरह आ जाता है, तो ये सब फॉर्मूलेज हैं विच यू कैन होल्ड, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करते हैं। तो दिस वे यू कैन ईजली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअली कॉम्पोनेंट्स, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ दिस थिंग इंडिविजुअली, इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो एंड इवन द इंटायर सोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है, ये ध्यान देना। और बाकी ये सब तो आपको मालूम ही है, नंबर ऑफ मोल्स इनको रिलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, है ना। अगर नहीं हो तो एक हम लिख देते हैं एन ए क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपके मोल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट ए, एन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट बी, ठीक है। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन लाइक दैट, ठीक है। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो हैव योर डिफरेंट फॉर्मूलेस। नाउ इन द प्रीवियस वीडियोज़ यू हैव सीन द डिफरेंट पैरामीटर्स एंड ऑल देम वर हैविंग सर्टन यूनिट्स, बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट हैविंग एनी यूनिट बिकॉज द रेशियो, रेशियो है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। और एक और कंडीशंस में याद रखना है, एनी वेयर यू आर सीइंग टेम्परेचर, नो यू आर नॉट सीइंग, सो दिस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो, सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। Now class 11 we are starting with the numerical and let's see that I have written one numerical, 46 grams of C2H5OH ethyl alcohol is dissolved in 18 grams of water, calculate the mole fraction of ethyl alcohol and the atomic masses are also given to you for all the different elements, okay? So first duty is we'll calculate the number of moles of ethyl alcohol nikalenge, okay? तो वो क्या होता है बेसिकली, अगर तुम्हें याद हो हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एक बार लिख दिया है। अब मास क्या दिया रखा है इथाइल अल्कोहल का क्वेश्चन पेपर में, 46। मॉलिक्यूलर मास आप इथाइल अल्कोहल का निकाल लेंगे, आप C2H5OH को कैलकुलेट करिए,
12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1, इसको आप कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है, 24 + 5 + 17, सो इट इज़ गिविंग यू 46, ठीक है। तो ये 46 आपका बन जा रहा है, तो ये भी 46 हो गया, है ना। तो मॉलिक्युलर मास भी व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड इज 46, तो आप डिवाइड करोगे कितनी वैल्यू आ रही है, 1। ऐसे ही आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे, वाटर को लिख लो, इसको ऐसा करो N1 लिख लो ताकि आपको बाद में आसानी रहे, इसको लिख लो N2 समझने के लिए, ठीक है। फिर वही है, वाटर का कितना वैल्यू दी रखी थी, 18 की। अब वाटर का भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मालूम है कितना है, 1 × 2 + 16, ये भी कितना आएगा, 18 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 18 ही कितना आ गया आपका, 1, ठीक है, ये भी 1 आ गया। अब आप मोल फ्रैक्शन, आपको किसका पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक। तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल N1 था और N1 + N2, हमने NA और NB लिया था, हमने ये कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या है, 1/1 + 1, ये कितना आ रहा है, 1/2। आपके पास कैलकुलेटर होगा, नहीं होगा, आप स्मार्ट है, 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ योर इथाइल अल्कोहल। ऐसे आप चाहें तो अपना वाटर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का पूछा जाएगा तो फिर वही कहानी होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का क्या है, N2, और यहाँ क्या है, N1 + N2, वही आंसर तो वही आना है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही थी, तो दिस इज़ 0.5। तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है आपका, 0.5 वाटर का भी आ जाएगा। तो दिस वे यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो एंड मोल फ्रैक्शन। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 12th में आया हुआ था। नाउ देर इज़ वन मोर क्वेश्चन, दे हैव रिटन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 25% वाटर, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड बाय मास, ठीक है। मास दिया रखा है, ये जो 25, 25, 50% है, ये मास का दिया रखा है क्योंकि बाय मास परसेंटेज आएंगे। यू हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इट्स नॉट नेसेसरी दे कैन गिव यू वाटर, दे कैन आस्क यू फॉर, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, मे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट। ईच कॉम्पोनेंट में आपको तीनों का ही निकालना होता है, यहाँ पे सिर्फ वाटर पूछा है तो वाटर का निकालेंगे। तो आंसर हमारा कैसा चलेगा, मास ऑफ वाटर, हाउ मच दे हैव गिवन यू, 25, मास ऑफ इथेनॉल इज अबाउट 25, फिर मास ऑफ एसिटिक एसिड आपको कितना दिया रखा है, 50, ठीक है। अब मॉलिकुलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, C इज इक्वल्स टू 10, 12, H इज इक्वल्स टू 1, O इज इक्वल्स टू 16, यही रिक्वायर्ड है आपको, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब मॉलिकुलर मासेस आपको वाटर 18 कैलकुलेट करके आ रहे हैं आप, मॉलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करके आ रहे हैं आप 46, मॉलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर लेंगे आप, आपको पता है 60, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ऑफ वाटर, लेट्स से इसको N1 लिखते हैं। तो हमें पता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 18, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1.39, यू मस्ट बी हैविंग योर कैलकुलेटर्स, यू यूज़ द कैलकुलेटर्स, नाउ वी आर यूजिंग द कैलकुलेटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल N2 मान लो इसे कितना है, ये था 25/46, ये वैल्यू दी रखी है तो ये 0.54 वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, हमने भी कैलकुलेट ही करी रखी है, ठीक। फिर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड से N3, ये 50 था डिवाइडेड बाय कैलकुलेट करा 60 के, तो 0.83, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। चलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा, N1 + N2 + N3, यही है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही तो निकालना हमें, तो क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, N1 + N2 + N3, क्योंकि तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, तो ये आपकी वैल्यू थी 1.39, यहाँ हो गया 1.39 +
0.54 प्लस आपका 0.83 है ना। तो आपने ये जो कर लिया ये आपको वैल्यू देगा करीबन 1.39 डिवाइडेड बाय 2.76, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.503, ये आंसर हो जाएगी। यहाँ पे भी आप चाहें तो इन सब को ऐड ऑन कर लेना, 1.39 प्लस जीरो के फॉर्मूला लिखा है तो फिर पूरा लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो बस आप उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इतना ही करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट है ना यहाँ लिखे हुए होंगे ये फॉर्मूला लिखेंगे और ये आप लिख देंगे, ये स्टेप लिख के लिख देंगे जो स्टेप मार्किंग्स भी होती हैं। अब इसमें ये तो मेरा एक ही है, अगर बाई चांस इथेनॉल का पूछा जाता तो आप इथेनॉल का ऐसे ही निकाल देते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर बाई चांस अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल होता तो क्या करते आप, ठीक है। ये होता N2 प्लस N2 प्लस N3, तो N2 की वैल्यू हमारी कितनी थी 0.54 और टोटल वैल्यू तो आपने 2.76 निकाली है, तो ये कितना हो रहा है आपका 0.196 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस वे यू कैन ईजली कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ एनी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, ज़रूरी नहीं है एक दिया हो, दो दिया हो, दस दिया हो, यू कैन डू एनी ऑफ देम, ठीक है। सो आई हैव शोन यू टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस, ये दो पैटर्न्स हैं, और ट्राई टू प्रैक्टिस अदर एग्जांपल्स आल्सो।